So this issuing of charge sheets to 48 of us for protesting is actually just the latest in a long series of bureaucratic assaults on the nature of Jawaharlal Nehru University and on the teaching learning process. So this particular charge sheet is charging us with under civil service rules, conduct rules, CCS rules, which do not apply to universities, which does not apply to JNU. JNU has its own statutes. JNU was founded independently by an act of parliament. So JNU has its own status as an autonomous body, and it has its own regulations and rules, and it has its own disciplinary proceedings and so on. So it's not clear on what basis the civil service rules are suddenly being talked about. And if civil service rules are to be imposed on universities, that is the biggest assault on democratic functioning of universities as a whole, because civil service rules are meant for government servants. If they make the teaching learning process subject to the control of governments, you are in a sense, as we say in some of our statements, you're making censorship a condition of service. You're basically ensuring that spaces that are supposed to promote critical thinking cannot promote critical thinking because you are under the government. So if you look at the new education policy draft that is circulating, one of the key elements of the new education policy draft is that it envisages the prime minister and then the chief minister at the head of the triangle of authority. The hierarchy is in that way, which means it's completely, education is conceived of as completely under the control of the government of the time, which any thinking person can see is deeply inimical to education as such. Agar hum shiksha ko शिक्षा के बारे में ये समझते हैं कि शिक्षा वो चीज़ है जिसे कि आपको नौकरी मिलेगी, तो वो अलग बात है. लेकिन अगर हम शिक्षा के बारे में ये सोचते हैं कि शिक्षा वो चीज़ है जिससे कि आप सोचना सीखते हैं, सवाल उठाना सीखते हैं और हर चीज़ पे एक क्रिटिकल नज़र डालते हैं, अगर शिक्षा ये चीज़ है, तो जाहिर है कि सरकारी मुलाजिम इस तरह से काम नहीं कर सकते. सरकारी मुलाजिम सरकार के मुलाजिम हैं, और टीचरों को सरकारी मुलाजिम बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रिसाइसली सोच बंद करने की है. तो ये चार्जशीट जो है हम बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा हम आश्चर्यचकित नहीं हैं, मैं ये कहूँ, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन के एक हफ्ते बाद इस वाइस चांसलर के आने के एक हफ्ते बाद जेएनयू पे जिस तरह के हमले हुए हैं, तो पहले राजनीतिक हमले हुए, एंटी नेशनल वगैरह, अब एक दो साल से ब्यूरोक्रेटिक, जो एक फ्रेज है ना, डेथ बाय अ थाउजेंड कट्स, तो ब्यूरोक्रेटिक टेक्निकली हमें तरह तरह से हमें बांध के रखने की कोशिशें जारी है. सो तो हम बहुत ज़्यादा हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे कैसे हुआ. हम तो ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बहुत चिंतित है, और हम इस पे गर्व करते हैं कि हमसे बहुत चिंतित है. और अमित शाह जब चुनाव जीतता है, मैं नहीं कहूँगी, जब भाजपा ने चुनाव छीन लिया, उसके बाद उनका पहला जो स्टेटमेंट था वो टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में था, जो कि हम मानते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो हिंदुस्तान का टुकड़े का टुकड़ा करने चाहते हैं. लेकिन हम जानते हैं उनका इशारा किस तरफ था. तो अमित शाह को अगर लगता है कि जेएनयू इस ऐसे इलेक्शंस वो लड़ रहा है, तो अच्छी बात है, हमें गर्व है इस पर. देखिए, सीसीएस रूल, मैं ये नहीं कह रही हूँ और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मामूली सरकारी मुलाजिम नहीं हैं. मामूली वाला शब्द मैंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया. हमारा मतलब वो नहीं है कि हम मामूली नहीं हैं. हमारा मतलब है कि हमारा काम अलग तरीके का काम है. हम जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट का काम नहीं है, इसीलिए हम पे अलग तरह के रूल्स होने चाहिए. अब सीसीएस रूल्स का मतलब क्या है? सीसीएस रूल्स के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते आपके यूनिवर्सिटी के इजाज़त के बगैर. आप कुछ लिख नहीं सकते पब्लिक में,
अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है आपके एम्प्लॉयर से, यानी कि यूनिवर्सिटी से. अगर आप कुछ कहीं जाके बोलना चाहते हैं उसके लिए इजाज़त लेनी है. आप क्या बोलेंगे इसके लिए इजाज़त लेनी है. क्योंकि CCS रूल्स का मतलब यह है कि जो सरकारी मुलाज़िम हैं उनको सरकार, उनका अपना अपनी कोई राय नहीं है. मतलब वो इट्स देयर जॉब सपोजिबली टू फुलफ़िल द गवर्नमेंट पॉलिसी. तो उनकी अपनी राय बताना हो तो वो प्राइवेटली बता सकते हैं, या उनको परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर रिटायर होने के बाद वो खिताब लिखते हैं. लेकिन हमारी राय जो है या हमारा काम जो है वो अलग काम है. तो अगर आप कहेंगे कि मतलब तरह तरह के काम के लिए तरह तरह के रूल्स होने चाहिए ना. तो अगर आप कहेंगे कि टीचर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर हैं? तो ये भी कहें हम, क्योंकि उनके भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं. उनमें से कई लोग हैं जो तरह तरह के टीचिंग लर्निंग, अब लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होता है, तो वहाँ क्या यूनिवर्सिटी के रूल लागू कर सकते हैं? नहीं ना, वो सब सरकारी मुलाजिम हैं. तो अब अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो वो चैलेंज करें. इसीलिए मैं उस पर नहीं जा रही हूँ कि सरकारी मुलाजिम का क्या काम है. लेकिन हम में से कई लोग हैं, मैं कहूँगी 50 से ज़्यादा प्रतिशत, 60-70% के जो यूनिवर्सिटी टीचर है वो एग्ज़ाम लिखे सरकारी मुलाजिम बन सकते थे, वो भी बन सकते थे. हमने एक अलग तरह का काम इसीलिए हमने सेलेक्ट किया. और हम सब में, हम में से कई लोग हैं जो बाहर भी रह सकते थे. हमने चाहा कि इस देश में रह के इस देश में हम काम करेंगे, और हम इस तरह का काम करेंगे जहाँ हम पे इस तरह का एक तरह का वो जो गैग होता है वो नहीं हम पे लगा सकते. क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ पे क्रिटिकल हों. गवर्नमेंट पॉलिसी पे हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा. कोई ऐसी गवर्नमेंट में दावे के साथ कह सकती हूँ मैं खुद जो इलेक्ट करूँगी अगर मेरी चॉइस की गवर्नमेंट आए उसको भी उसकी भी आलोचना करनी पड़ेगी. कोई ऐसी सरकार नहीं है जो आलोचना से मतलब बिल्कुल फ्री है, फ्री हो सकता है. तो CCS रूल्स आर मेंट टू प्रिवेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. हाउ कैन दिस बी अ कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर टीचर्स? बिकॉज वी हैव टू स्पीक अगेंस्ट एवरी गवर्नमेंट. देर हैज़ टू बी अ स्पेस फॉर अ क्रिटिकल वॉइस फॉर एनी गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी. दिस इज़ लाइक अप्लाइंग CCS रूल्स ऑन जर्नलिस्ट. वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ टीचिंग? If you tell us, we do get our salary from the University Grants Commission, and but the University Grants Commission is of course funded by taxpayers. So can I make another point here, which I don't know if you can use. It's often said about JNU ki taxpayers money wo kharch kar rahe hain students aur sarkar ke khilaf bolte hain. Lekin agar aap dekhenge taxpayers money ke zariye agar बेगूसराय का एक लड़का JNU पहुंच के PhD ख़त्म कर सकता है, तो इससे ज़्यादा, इससे बेहतर यूज़ टैक्सपेयर्स मनी का क्या हो सकता है? टैक्सपेयर, और टैक्सपेयर हम जानते हैं सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी हमारी बहुत ज़्यादा टैक्स इंडिया में, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हर साधारण व्यक्ति जो नमक खरीदता है या हल्दी खरीदती है उसके पैसों से अगर उनके बच्चे पढ़ पाएँ तो ये सबसे बेहतरीन यूज़ है इस पैसे का. सो ये टैक्सपेयर, और वैसे तो जिस तरह इस एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सपेयर्स के मनी खर्च कर रही है लीगल केसेस में जो हारते जाते हैं, तो हम जो लड़ रहे हैं हम अपने पैसों से लड़ रहे हैं, अपने पॉकेट से, वो टैक्सपेयर्स मनी ही वेस्ट कर रहे हैं ना यूनिवर्सिटी. एंड इट्स लूजिंग एवरी केस बिकॉज इट डजंट हैव अ स्टैंड. It cannot stand in law. What they're doing is illegal. Not just universities, but universities which draw in students from the most heterogeneous conditions possible. Because it should not just be universities of the elite, but universities in which there is very strong affirmative action policies, which JNU had, which are being very badly undermined. In fact, our protest was about a range of issues, which included reservations, because reservations are not being implemented. It includes the destruction of our deprivation point system, jisse ki JNU mein bahut
तरह तरह के हालातों से स्टूडेंट आते थे. कोई एक क्लास में 50% लोग ऐसे होते थे कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनके पूरे परिवार में वो पहला लड़का या लड़की होगी जो यूनिवर्सिटी में आ रहा है. इस तरह का हमारा जो कम्युनिटी था जेएनयू का, वो इस तरह का था. तो प्रोटेस्ट इस सब के बारे में भी था. बट सो यूनिवर्सिटी एज ए क्रिटिकल स्पेस फॉर वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कम मीट लर्न फ्रॉम वन अनदर कोलाइड विद वन अनदर एक दूसरे से सीखते हैं. मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी स्पेस में सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है पढ़ाई. जो पीयर ग्रुप के बीच एक दूसरे से जो स्टूडेंट्स सीखते हैं, कोई बहुत ही एलीट सर्कमस्टांसेस से आता है और कोई बहुत ही नॉन एलीट सर्कमस्टांस से, वो मिलते हैं क्लास में, मुलाकात होती है, बातें होती हैं. इसी तरह लोगों की सोच बदलते हैं. कितने स्टूडेंट हैं जो आते हैं बड़े एलीट स्पेसेस से और समझते हैं कि रिजर्वेशंस मेरिट का उल्लंघन है, लेकिन आने के बाद वो बात करके अपनी प्रिविलेज समझना शुरू करते हैं. और कन्वर्सली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और मतलब समाज बदलता है. तो यूनिवर्सिटी शुड रिमेन आई फील यूनिवर्सिटी शुड रिमेन अ स्पेसेस वे एवरीवन कैन पार्टिसिपेट. वैसे तो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बट कम से कम हाईली सब्सिडाइज होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ है, था अब तक. और उस स्पेस में क्रिटिकल थिंकिंग इसीलिए ज़रूरी है अगर हम समझते हैं कि समाज को बदलना है, और समाज को बदलना है न्याय की ओर. वैसे हिंदुत्ववादी भी समाज को बदलना चाहते हैं. जहाँ भी हम थे वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उससे हमें पीछे कराना चाहते हैं समाज, तो वो भी बदलना चाहते हैं. लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम जैसे लोग जिनको एक क्षितिज या होराइज़न जो है न्याय का, और हम चाहते हैं कि एक न्यायिक समाज हो और सामाजिक न्याय हो और समानता हो और लोगों को अपनी अपनी ज़िंदगियां जीने की पूरी कैपेबिलिटी हो, अमर्त्य सेन के मायने में. मतलब सिर्फ फ्रीडम होना काफ़ी नहीं है, वो उस फ्रीडम को साक्षात करने के लिए कुछ हमें मटेरियल जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी होने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें बन के एक यूनिवर्सिटी सही मायने में यूनिवर्सिटी बनता है. तो इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी नहीं है जिनमें फ़ीस ज़्यादा हैं. और अभी जेएनयू के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं जहाँ बहुत हाई फीस हैं. तो ये समाज, अगर हम चाहते हैं कि समाज सच्ची मायने में, सही मायने में, अगर हम चाहते हैं कि वो न्यायिक हो, सामाजिक न्याय हो, समानता हो उसके लिए, और फिर अगर हम चाहते हैं कि इंसान का जो मन इमेजिनेशन है वो एक्सपैंड हो जाए, और शिक्षा का एक काम वो भी है, तो क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल अनिवार्य है. नहीं, हमने नहीं सोचा था कि जेएनयू यूनिक है. सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहुत खास यूनिक है. ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ स्टूडेंट थी, अब बहुत साल बाद मैं पढ़ाने आई. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बहुत ख़ास है. या मुझे तब यह एहसास होने लगा कि बहुत ख़ास है कि नए वाइस चांसलर के दूसरे दिन ही जब हमले शुरू हुए, तब मुझे लगा कि शायद अगर संघ इतना चिंतित है, अगर संघ परिवार इतना चिंतित है यूनिवर्सिटी को लेकर, कुछ हम ठीक कर रहे थे. क्योंकि तब तक हम बहुत ही क्रिटिकल थे हमारे अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में. मैं यहाँ 2008 से टीचर हूँ, उसके पहले स्टूडेंट थी. इंटरनल क्रिटिसिज्म मतलब बिल्कुल पीक पे है जेएनयू में. जिस तरह हम अपने आप की आलोचना करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस की आलोचना करते हैं कि कास्टिज्म है, कि रिजर्व पोस्ट टीचर्स के भरे नहीं गए, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके सीरियसली नहीं लिया जाता, स्टूडेंट्स को हम सेंसिटाइज नहीं करते हैं, फलाना, मतलब हम इतना क्रिटिकल हैं अपने इंस्टीट्यूशन को के बारे में, हर चीज़ को लेकर. हमने कभी नहीं सोचा कि ये बहुत स्पेशल है और ये परफेक्ट है. लेकिन इन सब खामियों के बावजूद अगर संघ परिवार इतनी चिंतित है, तो फिर हम सोचने लगे कि ये क्या है जो हम सही कर रहे हैं. तभी तक हम ये हमारी गलतियां ही निकालती रही कि इसको कैसे सुधारें, उसको कैसे सुधारें. तो मुझे लगता है, और हम सब मानेंगे, कि यूनिवर्सिटी एज अ स्पेस संघ परिवार को
चिंतित करती है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल परेशान करती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उनके आने के बाद, मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, हर यूनिवर्सिटी में जिस तरह के मूवमेंट्स हुए हैं, और हर जगह वो तो नहीं कह सकते कि लेफ्ट है या किसी ने प्रेरित किया या इंसाइट किया, ये स्टूडेंट्स अपने आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर जगह फैकल्टी या कुछ उससे नहीं, एक तरह से वो यूनिवर्सिटी में आते हैं और एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां सवाल उठा सकते हैं। तो हर जगह फी हाइक को लेके, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके, आप यू नेम इट, रोहित वेमला और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से शुरू करके आप देख लीजिए बनारस और अलाहाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब आई कांट इवन नेम ऑल ऑफ देम, कितने सारे यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स ने बिल्कुल विदाउट एनी फियर, बिल्कुल मतलब निर्भय तरीके से दे फॉट। तो यूनिवर्सिटी एज अ स्पेस, अब जेएनयू आई थिंक इज सीन एज अ पर्टिकुलर थ्रेट, उनको लगता है कि ये एक तरह का लेफ्ट बेस्टियन है। तो अगर आप फैकल्टी को देखेंगे, लेस देन 50% कैन बी कॉल्ड लेफ्ट, लेस देन 50% इज एक्चुअली लेफ्ट। अगर आप स्कोर्स वगैरह देखेंगे, इट्स अ मिक्स्ड बैग। तो लेफ्ट आइडियाज़ यहाँ क्यों फिर इतना स्ट्रॉन्ग है कि लेफ्ट यूनियन के बाद लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन, बार बार लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन, मुझे लगता है कि लेफ्ट से हमारा मतलब, उनका मतलब बहुत जनरल है। कोई भी जो सामाजिक न्याय के बारे में बात करें, जो समानता के बारे में बात करें, जो पितृसत्ता के खिलाफ बात करें, उनको लगता है ये सब लेफ्ट है। और जो कि सेक्युलरिज्म की बात करें, जो कि मानते हैं कि ये देश हर किसी के लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, और ये हिंदू क्या है, हम सवाल उठाते हैं, ये क्या है हिंदू समाज, आप बताइए मुझे एक एक डेफिनेशन जिससे कि पूरा हिंदू समाज का वर्णन हो। तो हम इस तरह के इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस पूछते हैं, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं, हम सेकुलरिज्म के लिए हैं, हम तो इसीलिए, तो इसको वो लेफ्ट, इसको वो लेबल लेफ्ट दे रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि बापसा अपने आप को लेफ्ट नहीं कहता, और कई सारे ग्रुप्स हैं जो अपने आप को लेफ्ट नहीं कहेंगे, और सबसे फेमस जो जेएनयू के लोग हैं सरकार में बैठे हुए हैं, निर्मला सीतारामन और फॉरेन मिनिस्टर, दोनों फ्री थिंकर्स में थे। तो ये ऐसा कैंपस है जहाँ हर तरह की सोच है। अब जब पोस्टर निकाले जा रहे हैं, अब सोचिए कितनी भयभीत है ये सरकार कि आर्टवर्क को निकाल रहे हैं, कागज़ पे और दीवार पे किए गए आर्टवर्क को निकाल रहे हैं, जिसमें एबीवीपी के भी पोस्टर हैं, वो भी निकाल रहे हैं, वंदे मातरम वाले पोस्टर भी हट रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हटा रहे हैं तो उसको इतना ऑब्वियस नहीं कर सकते कि जैसे देश में ऑब्वियस कर रहा है कि सिर्फ हिंदू है इस देश में, कैंपस में इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो पोस्टर क्यों हट रहे हैं, मतलब क्या है इसका, इससे क्या है, मतलब उस स्वच्छता कह रहे हैं, आप एक बार हॉस्टल जाके देख लीजिए स्वच्छता का की स्थिति, हॉस्टल में कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप स्वच्छ कैंपस बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दे दीजिए, पानी वगैरह का इंतज़ाम कीजिए, नहीं, पोस्टर हटाएंगे, इससे स्वच्छ हो जाता है कैंपस। तो जाहिर है कि जेएनयू का जो सोचने की आज़ादी है, ये आज़ादी शब्द ही क्या मतलब इनको इतना डराता है, ये शब्द सिर्फ आज़ादी कहने से उनको लगता है कि कश्मीरी हमारे हाथ से चला गया, जबकि आज़ादी किस चीज़ से है, मनुवाद से आज़ादी वगैरह वगैरह, अगर आप स्लोगन सुनेंगे तो आज़ादी से इनको डर है, आज़ाद सोच से इनको डर है। तो उनको लगता है उनको वो जो लेफ्ट कह रहे हैं, वो आज़ाद किसी भी तरह की आज़ाद सोच को लेफ्ट कह रहे हैं। Thank you.